अमृतसर के गुरु नानक हस्पताल विच लगी भयानक अग। अज अमृतसर के गुरु नानक हस्पताल विच लगे ट्रांसफार्मर विच शॉर्ट सर्किट होने कारण देखते ही देखते भयानक अग लग गई ते विकराल रूप धारण कर लिया। गनीमत यह रही कि इस अग विच कोई जानी नुकसान नहीं होया। स्वस्थ कर्मियों वालों अग लगन के नाल ही वार्ड के मरीजों को तुरंत बाहर कढ़ लिया गया। अग अस्पताल के पिछले हिस्से वाटर सॉफ्टवेयर प्लांट की साइड विच लगे जिथे मरीजों को दाखिल नहीं किया जाता है, जिस कारण उत्थे आन जाने वाले लोगों की भीड़ घट होती है। इस कारण कोई जानी नुकसान नहीं होया। सूचना मिलन के नाल ही फायर ब्रिगेड की 8 गड्डियां मौके पर पहुँच कर अग नू काबू विच किया। आई विटनेस इंडिया न्यूज़ की खास रिपोर्ट। जी 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 अपने पेशेंट सारे आप सारे सेफ टोटली सेफ है, वार्ड सेफ है अपनी, बिकॉज ये वाला एरिया नॉन पेशेंट एरिया है। ये परले पास ओपीडी है, आप पार्किंग है, ये पार्किंग जो काफ़ी ज़्यादा व्हीकल सके वो असं इमीजिएटली इवैक्यूएट करके तो सारे डैमेज कंट्रोल है, सारा जो भी है ट्रांसफॉर्मर की फायर ही सी। बाकी आप उत्थे जे इन्हों ब्रीफ करना सर डेट वुड बी आई थिंक बैटर प्लेस है ना उत्थे बैठ के। देखो हालात असी एग्जामिन कर रहे हैं। देखो जो साडे इत्थे पार्किंग सीगी वैसे बेसिकली ये नॉन पेशेंट एरिया सीगा, इहदे विच पेशेंट नहीं हैगे, सो पार्किंग सीगी थोड़ा जा परले पासे अग थोड़ी जी फैली सीगी। साडे फायर ब्रिगेड दे अधिकारी सारे आ गए ने, पूरी तरह कंट्रोल है। इस वेले तुसी देख रहे होर भी जो भी फायर ब्रिगेड्स की जरूरत आ इत्थे आ चुकियां ने। साडे सारे अधिकारी एडी साहब इत्थे ने और PWD एंड बिजली बोर्ड के अधिकारी ने, असी पूरी सिचुएशन जी कंट्रोल किया। नहीं कोई नहीं पुछ रही ने, कोई देख रहे हैं सारे सारे डॉक्टर साहब वो एग्जामिन कर रहे हैं जी, जो भी होएगा सारा देख लेंगे देखेंगे। हुण अजे अजे आपां ना इनू कंट्रोल कर लिए जिम कंट्रोल कर लिए कंट्रोल कर लिए जिम्मेवारी भी फिक्स कर लेंगे। जिम्मेवार कौन होएगा? अच्छा जिम्मेवार कौन होएगा जी? हेलो कर लेंगे जी जिम्मेवारी फिक्स। एग्जाम थोड़ा जा थले करो अच्छा। ऐसा इस तरह जी एक इलैक्ट्रिकल फायर सी ट्रांसफार्मर नू गुरु नानक देव हॉस्पिटल दे ट्रांसफार्मर नू फायर हुई सी, जिसनू के इमीजिएट फायर ब्रिगेड ने पहुँच के ते अपना कंट्रोल कर लिया। सारे मरीजों नू बाहर कर दिता गया। डायलिसिस मशीन सी इत्थे, एक रिकॉर्ड रूम सी, फायर ब्रिगेड ने पूरा कंट्रोल कर लिया। 8 गड्डियां साडियां लगियां सन। साडे स्टेशन फायर ऑफिसर दलबाग सिंह, रजिंदर सहगल ते श्री यशपाल जी जिहड़े मौके ते पहुंचे ने फायर अफसर, उन्होंने मौके ते पहुंच के इमीजिएट कंट्रोलिंग कर ली। सारी टोटल 8 गड्डियां लगियां ने, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। सारे मरीजों नू सुखी सांदी बाहर कढ लिया गुरु साहब दी मेहर। सर जो भी बिल्डिंग तैयार होंगी उदो फायर ब्रिगेड के जिहड़े जंतर होंगे लगे होंगे जी 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 जी, हुण देखण जाए सिलंडर भी लाके लैके मुंडे भजदे फिरदे आ। नहीं देखो ओ जिहड़े सिलंडर है उन्हां नू ला के चलाया जांदा जी, ये देखो उन्होंने लावे तो चलेगा ना जी, चले नहीं वो स्पेयर डेट सी। चलो यही बाद च देख लेंगे, अजे स्टिल साडा काम यह है भी आप पहला यह देखिए भी कोई मरीज या कोई होर कोई फायर जी वधे ना। अजे केबल्स च फायर हैगी अजे चेक कर देवे, उसकी कोई जिहड़ा जान का नुकसान नहीं होया। सारे मरीज बिल्कुल ठीक ने, काफ़ी मुशक्कत करनी पी जी, तुहानू पता इलैक्ट्रिकल फायर है बिकॉज ट्रांसफार्मर च ऑयल हुंदा, जो अग लगती है तो बहुत ज़्यादा वधदी एकदम, तो वो कारण थोड़ा जा पैनिक जो क्रिएट होया भी एकदम काला धुआं बहुत ज़्यादा आया। तुसी देखो बिल्डिंग पर फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल कर लिया, साडा काम है। हाँ जी हाँ जी, वो फिर बत्ती जो शॉर्ट सर्कट होया ऑटोमैटिक कट ऑफ हो जाता।